शुरू करता हूँ उस पाक परवरदिगार के नाम से जो तमाम दिलों के हाल बखूबी जानता है। सुनने वाले कानों और देखने वाली आंखों को आपके मेज़बान शिराज का ढेर ढेर सलाम हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हसबरवाई चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त करता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो राइट पॉइंट के मुअज्जज़ ख़वातीनों हज़रात, एक तरफ आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान नेवी ने अभी तक कोई बैरी एयरक्राफ्ट कैरियर यानी समंदर की सतह पर दुश्मन के लिए खौफ की इलामत बनकर चलने वाला जहाज़ बरदार बैरी बेड़ा क्यों नहीं बनाया या फिर किसी दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक से अब तक क्यों नहीं खरीदा, जबकि दूसरी जानिब भारतीय नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर से लैस है। नाज़रीन गिरामी, दरहकीकत ये वो सवाल है जो ना सिर्फ हर पाकिस्तानी के जहन में आता है बल्कि तमाम पाकिस्तानी इसका जवाब जानने के लिए हम वक्त मसरूफ़ अमल नज़र आते हैं। दोस्तों, ये सवाल हर पाकिस्तानी के जहन में इसलिए भी आता है कि तारीख गवाह है कि पाकिस्तान ने कभी भी किसी दूसरे मुल्क पर जारहियत या कब्ज़ा करने के लिए किसी भी किस्म के जंगी हथियार को बनाने में पहल तो नहीं की। अलबत्ता इतना ज़रूर है कि पाकिस्तान ने अपने तमाम दुश्मन को मुँह तोड़ जवाब देने और अपने मुल्क की हिफाजत और बका को यकीनी बनाने के लिए दुश्मन की जानिब से बनाए जाने वाले हर खतरनाक तरीन जंगी हथियार का मुतबादल या तो खुद तैयार किया है या फिर किसी दूसरे मुल्क से ख़रीदा है। फिर चाहे बात की जाए JF-17 थंडर तैयारी की, पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की, पाकिस्तान की फ़जाइया और मिसाइल डिफेंस सिस्टम की, बैरी बेड़ों की या फिर सबमरीन के अलावा तमाम तर जंगी हथियारों की जो पाकिस्तान ने दुश्मन के जंगी हथियारों के मुकाबले और अपने मुल्क के दिफा की खातिर बनाए हैं, यही वो चीज़ है जो सोचने पर मजबूर करती है कि पाकिस्तान जहाज़ बरदार बैरी बेड़े में दिलचस्पी क्यों नहीं रखता और पाकिस्तान ने अपने हमसाया दुश्मन मुल्क यानी भारत के मुकाबले में अब तक कोई जहाज़ बरदार बैरी बेड़ा क्यों नहीं बनाया। इसके पीछे बहुत सी वजूहात छुपी हैं। दोस्तों, इन वजूहात के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना भी ज़रूरी समझता हूँ कि दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक एयरक्राफ्ट कैरियर को क्यों इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, आप लोगों को इतना तो मालूम ही होगा कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर कई दर्जन जदीद और तबाहकुन जंगी तैयारे मौजूद होते हैं। नाज़रीन मोहतरम, बरआज़मी जंग या फिर किसी भी खुफिया ऑपरेशन की सूरत में ये लड़ाका तैयारे एयरक्राफ्ट कैरियर से ना सिर्फ अपने मिशन को सर अंजाम देने के लिए उड़ान भरते हैं बल्कि दुश्मन पर फजाई अजाब बरसाते हुए अपने मिशन को मुकम्मल करने के बाद ये लड़ाका तैयारे वापस एयरक्राफ्ट कैरियर पर आ जाते हैं। नाज़रीन गिरामी, इससे पहले कि इस राज से पर्दा उठाया जाए कि पाकिस्तान के पास एयरक्राफ्ट कैरियर क्यों मौजूद नहीं है, इससे पहले आप सब के लिए एक बात को समझना इंतहाई ज़रूरी है कि वो कौन से ममालिक हैं जिनको एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत महसूस होती है। याद रहे, दुनिया में मौजूद सिर्फ उन ममालिक को एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत होती है जिनकी समंदरी सरहदें वसी और लंबी हों, क्योंकि उन ममालिक के लिए इन्हें वसी तर लंबी समंदरी सरहदों की हिफाजत बैरी जहाज़ों की मदद से करना नहायत मुश्किल अमल है। इसके अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर उन ममालिक के लिए ज़रूरी समझा जाता है जिनके मकासद में बैनुल बरआज़मी मकासद, बैनुल बरआज़मी जंगे और दूसरे बरआज़म में मौजूद कम तरक्की याफ्ता ममालिक पर कब्ज़ा करना मकसूद होता है। ऐसा करने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर को समंदर के ज़रिए उसी इलाके या फिर किसी दूसरे मुल्क के इतना करीब तर लाया जाता है जहाँ से उस मुल्क पर फ़िज़ाई हमला या फिर खुफिया मिशन सरअंजाम देना इंतहाई आसान हो। नाज़रीन मोहतरम, ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि एयरबेस इंतहाई दूर होने की वजह से लड़ाका तैयारों को अपने हदफ तक पहुँचने में बहुत सी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। नाज़रीन मोहतरम, इन दरपेश मुश्किल की वजह से लड़ाका तैयारे अपने मिशन और बरआज़मी मकासद को हासिल करने में के तरक्की याफ्ता ममालिक ने इसका हल एयरक्राफ्ट कैरियर के तौर पर निकाला। इससे कबल कि मैं आप लोगों को इन दरपेश मुश्किल और पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट कैरियर ना रखने की वजूहत के बारे में तफसील से आगाह करूँ, राइट पॉइंट के नाज़रीन से सिर्फ इतना कहूँगा कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोग हकाइक पर मबनी तमाम तर वजूहत के बारे में मुकम्मल तौर पर जान सकें। ख़वातीनों हज़रात, एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत और अहमियत को आप अमेरिका जैसे मुल्क की मिसाल को लेकर बआसानी समझ सकते हैं। आप जानते हैं कि अमेरिका बहादुरी सात समंदर पार से आकर अफगानिस्तान और इराक पर अक्सर हमला करता रहता है। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका के ये हमले वाशिंगटन से अपने जंगी तैयारे उड़ाकर नहीं करता बल्कि एयरक्राफ्ट कैरियर का इस्तेमाल करते हुए करता है, क्योंकि अमेरिका ये चाहता है कि वो वाशिंगटन से अपने जंगी तैयारों को फिजा में बुलंद करते हुए सात समंदर पार किसी दूसरे मुल्क पर बमबारी करके वापस लौटे। तो ऐसा किसी तौर भी मुमकिन नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मौजूदा दौर की टेक्नोलॉजी और जंगी तैयारे अभी तक इस काबिल नहीं हुए कि वो सात समंदर पार जाकर किसी मुल्क पर बमबारी करके वापस लौट सकें, जिसकी वजह यह है कि ना तो किसी भी जंगी तैयारे में इतना ईंधन मौजूद होता है कि वो रोज़ाना किसी जंगी तैयारे को
खुले फिजाई रास्ते मैव होते हैं कि हर मुल्क के ही आपके जंगी तैयारी को अपनी फजाई हदूद इस्तेमाल करने दे, और ना ही अभी तक जंगी तैयारी की इतनी काबिलियत है कि वो इतनी देर तक मैव परवाज रह सके। दोस्तों, दर हकीकत बड़े आजमी मकासद रखने वाले मुल्क रूस और अमेरिका ने सबसे पहले इस मसले का हल ढूंढते हुए ना सिर्फ एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का फैसला किया बल्कि इसे बनाकर अपनी नेवी में भी शामिल कर लिया, जिसे जदीद टेक्नोलॉजी से लैस दर्जनों लड़ाका और बम्बार तैयारों से लैस किया गया। इस तरह बड़े आजमी मकासद रखने वाले ये ममालिक कई बारी बेड़े रखते हैं, जिसका मकसद उसे समंदर का रास्ता इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ ममालिक के करीब ले जाना है। दोस्तों, बैरी बेड़े के जरिए जंगी तैयारों को दूसरे ममालिक के करीब ले जाने का मकसद वो फासला कम करना होता है जिसे एक जंगी लड़ाका तैयारे ने अपने मिशन को कामयाब बनाने के लिए तय करना होता है। नाजरीन ग्रामी, यहाँ पर एक और सवाल पैदा होता है कि अगर अमेरिका और रूस के बैनुल बरियाज में मकासिद हैं तो चाइना और इंडिया क्यों बैरी बेड़े रखते हैं? तो इसका जवाब बड़ा सादा है कि इन दोनों ममालिक की समुद्री सरहद बहुत लंबी और वसी तर है। दोनों ममालिक के समुद्री हदूद को जोग्राफियाई लिहाज से देखा जाए तो चाइना की समुद्री हदूद की कुल लंबाई 14,500 किलोमीटर है, जबकि हिंदुस्तान की समुद्री हदूद की अगर बात की जाए तो इसकी समुद्री हदूद की लंबाई 7,516 किलोमीटर है, जबकि इन दोनों मुल्कों के मुकाबले में पाकिस्तान की समुद्री हद सिर्फ और सिर्फ 1,046 किलोमीटर है। समुद्री हदूद के बरक्स ये दोनों ममालिक एक बैरा हिंद पर अपना अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। इसके अलावा भारत और चाइना दोनों एक दूसरे के दुश्मन भी हैं, जिसकी वाज़े मिसाल इन दोनों ममालिक के दरमियान होने वाली जंग से मिलती है। इसलिए इन दोनों ममालिक के दरमियान भी किसी न किसी सूरत में मुकाबला जारी रहता है। दोस्तों, वाजे रहे कि अगर पाकिस्तान के मकासद और दुश्मनों की बात की जाए तो पाकिस्तान के कोई भी ऐसे बैनुल बरियाज़मी मकासद नहीं हैं कि पाकिस्तान एक बरियाज़म से दूसरे बरियाज़म में वाके किसी दूसरे मुल्क पर जारहियत करे या फिर किसी दूसरे मुल्क पर कब्जा करना चाहे। बहरहाल, पाकिस्तान का समझा जाने वाला सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान के साये में है, जिसके हर कोने तक पाकिस्तानी अफवाज के तमाम मज़ाइल पहुँच सकते हैं। इसके अलावा पाक फिजाइया भी अपने मुल्क का दिफा करने की खातिर लंबे और पुरखतर मिशन पूरे करने के लिए ना सिर्फ हर कदम तैयार रहती है बल्कि इन्हें पूरा करने की काबिलियत भी रखती है। पाकिस्तान के पास बैरी बेड़ा ना होने की सूरत में भी कुछ लोग ये कहते दिखाई देते हैं कि पाकिस्तान के पास इतना दिफाई बजट नहीं है कि पाकिस्तान कोई बैरी बेड़ा खरीद सके या फिर खुद बना सके। हालांकि इसमें कोई हकीकत दिखाई नहीं देती, क्योंकि पाकिस्तान के दिफाई बजट की बात की जाए तो पाकिस्तान का दिफाई बजट तकरीबन 8.7 बिलियन डॉलर से ज़ायद है। इसलिए अगर पाकिस्तान अपने बजट का 10% हिस्सा ही अपनी बैरिया पर खर्च करे तो भी पाकिस्तान 5 से 7 साल के दौरान अपना बैरी बेड़ा बआसानी बना सकता है। फिर भी ना जाने क्यों लोग ये कहते दिखाई देते हैं कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है जिसकी वजह से पाकिस्तान बैरी बेड़ा नहीं बना सकता। सोचने की बात यह है कि थाईलैंड जैसा मुल्क जिसका दिफाई बजट 6 मिलियन अमरीकी डॉलर है, अगर वो दिफाई बेड़ा ले सकता है तो फिर पाकिस्तान क्यों नहीं? असल हकीकत ये है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान इतना ज़्यादा फासला मौजूद नहीं कि पाकिस्तान को किसी भी बैरी बेड़े की ज़रूरत हो, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के दरमियान बॉर्डर की कुल लंबाई 2,912 किलोमीटर है, जिसमें बॉर्डर का ज़्यादातर इलाका मैदानी है। इसलिए भारत हो या पाकिस्तान, इन दोनों मुल्कों को एक दूसरे पर हमला करने के लिए किसी बैरी बेड़े की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए अपनी दिफाई ताकत को बढ़ाने की खातिर कोई भी मुल्क बैरी बेड़ा ज़रूर हासिल कर सकता है। नाजरीन मोहतरम, भारत भी बैरी बेड़ा इसलिए बना रहा है क्योंकि इसका चीन के साथ फासला बहुत ज़्यादा है और उनके दरमियान रास्ते बहुत ज़्यादा कठिन और मुश्किल हैं। दोस्तों, पाकिस्तान अपने इख्तियार करदा असूलों की वजह से अभी तक बैरी बेड़ा नहीं रखता, लेकिन ये कहना बिल्कुल दुरुस्त नहीं कि पाकिस्तान अगर बैरी बेड़ा नहीं रखता तो भारत पाकिस्तान पर बर्तरी ले जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने इसका तोड़ करने के लिए चाइना से 8 न्यूक्लियर आबदोजें हासिल कर ली हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के पास क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और बेहतरीन जंगी लड़ाका तैयारी भी मौजूद हैं, जो पाकिस्तान की नेवी को भारतीय नेवी के हमपल्ला लाकर खड़ा करते हैं। दोस्तों, एक और अहम बात की न्यूक्लियर सबमरीन बैरी बेड़े सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान बैरी बेड़ा बनाना चाहे या खरीदना चाहे तो वो ज़रूर खरीद सकता है। बहरहाल, मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान अपने असूलों में तब्दीली भी कर सकता है, क्योंकि ये खबरें गर्दश कर रही हैं कि पाकिस्तान पहला बैरी बेड़ा बनाने जा रहा है। तो मुमकिन है कि पाकिस्तान ने अपनी इख्तियार करदा स्ट्रेटजिक में तब्दीली का फैसला कर लिया हो। अगर ऐसा हो तो पाकिस्तान भारत को हासिल टेक्नोलॉजी एडवांटेज को भी ख़त्म कर देगा। वो कौन सा बैरी बेड़ा है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ये बैरी बेड़ा हासिल करेगा? ये बैरी बेड़ा कितना ताकतवर और तवाकुन है, और वो कौन से वजूहात हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान बैरी बेड़ा खरीदने जा रहा है? अगर आप लोग इस पर भी एक मुकम्मल तफसीलन वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, ताकि ऐसी मैं मालूमती वीडियो भी अपलोड कर सकूँ। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा।
दोस्तों अब तक की अपडेट्स के लिए इतना ही। नई वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगेबान।